आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ पूजा वर्मा। वैसे तो इस दुनिया में कई शौकीन मौजूद हैं, लेकिन ऐसे शौकीन कम हैं जिनके शौक को देखने और जानने के बाद गर्व महसूस किया जा सके। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद से रिटायर अमरेंद्र आनंद पिछले 5 दशक से पुराने करेंसी और सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं। देश में चले अब तक के हर प्रकार की करेंसी के साथ साथ पहली शताब्दी से लेकर आज तक के सैकड़ों प्रकार के सिक्के भी इनके पास हैं। इनमें हाथ से बने तिब्बती नोट भी शामिल हैं। धनबाद के कुसुम बिहार निवासी अमरेंद्र आनंद ने अपने घर को ही विशेष संग्रहालय का रूप दे दिया है। अपने हाथ से ही बने फाइलों में संग्रह को बड़े ही सलीके और जतन से रखा है। अमरेंद्र बताते हैं कि ब्रिटिश काल में यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार की ओर से अलग अलग नाम से मेडल दिए जाते थे। हिंदुओं को दिए जाने वाले मेडल को रॉय बहादुर और रॉय साहब और मुसलमानों के लिए खान बहादुर और खान साहब के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अमरेंद्र के पास आज़ाद हिंद फौज के मेडल, टीपू सुल्तान द्वारा दिए जाने वाले मेडल्स का भी संग्रह है। मेरा नाम अमरेंद्र आनंद है, मैं धनबाद के कुसुम बिहार में रहता हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में एज ए विकास पदाधिकारी कार्यरत रहा, 2016 में रिटायर किया। और ये जो संग्रह का शौक़ है, ये मेरी बचपन का शौक है। ये लगभग 10-12 वर्ष की उम्र में पापा के द्वारा दिए गए कुछ तांबे वांबे के सिक्के से शुरुआत हुई, जो आज एक हेरिटेज म्यूजियम का रूप ले डाला है। इसमें सिक्के में मेरे पास कौड़ी टू क्रेडिट कार्ड, जर्नी ऑफ इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था, इंश्योरेंस व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस व्यवस्था, जिस प्रकार का भी मॉनेटरी सिस्टम है, उन सारों पर मैंने एक विशाल संग्रह खड़ा किया। इसके बाद दूसरे सेगमेंट में आते हैं तो वो है मेडल्स। मेरे पास बहुत सारे मेडल्स हैं, ब्रिटिश इंडिया के भी हैं, प्रिंसले स्टेट्स के भी हैं। ब्रिटिश इंडिया में खास मेडल्स हैं, राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, खान साहब। बड़ी मज़ेदार बात है कि अंग्रेज़ों ने जब मेडल की शुरुआत की तो हिंदुओं के लिए अलग मेडल का नाम रखा और मुसलमानों के लिए अलग मेडल का नाम रखा। हिंदुओं को जो लोग टाइटल बैच देते थे वो होता था राय साहब, राय बहादुर। उसी तरह जब मुसलमानों को देते थे तो होता था खान साहब, खान बहादुर। अमरेंद्र के संरक्षित संग्रह में दुर्लभ सिक्के, मुद्रा, त्रुटि पूर्ण नोट्स, चेक, हुकुमनामा और फैंसी नोट्स भी शामिल हैं। आनंद के पास कुषाण युग, खिलजी काल, उज्जैन और विजयनगर राज्यों के सिक्कों को सुरक्षित मौजूद हैं। मौर्य, मगध और दिल्ली सुल्तान से 5 चिन्हित सिक्के भी उनके संग्रहालय में मौजूद हैं। इसके अलावा विशेष सिक्के भी हैं जिन्हें मंदिर टोकन कहा जाता है। इसके संग्रह में मुद्रा नोट में 1 आना, पेपर पैसा और जूनागढ़ के 1,000 रुपये के नोट भी शामिल हैं। आनंद ने दुर्लभ हाथों से बने तिब्बती नोटों को भी काफी जतन से रखा है। अमरेंद्र के संग्रहालय में सिर्फ सिक्के नोट ही नहीं, ऐतिहासिक अमान तंत्र पत्रों का संग्रह भी है। उनके खजाने में इतिहास के कई यादगार इनोवेशन कार्ड जमा हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ताजपोशी से लेकर विवाह के निमंत्रण के लिए आकर्षक आमंत्रण पत्र छपवाए जाते थे। अमरेंद्र के पास 12 दिसंबर 1911 में हुए ऐतिहासिक दिल्ली दरबार का आमंत्रण पत्र है, जिसमें कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 2 जून 1953 को हुई ताजपोशी समारोह का आमंत्रण पत्र भी इनके खजाने में 4 चांद लगा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इनके पास 1961 के 2 आमंत्रण पत्र हैं। इन आमंत्रण पत्रों के कागज, छपाई, इस पर छिपे लेख उस समय के इतिहास की गवाही देते हैं। पहला आमंत्रण पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और राजकुमार फिलिप के सम्मान में
जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा 22 जनवरी 1961 को सिटी पैलेस जयपुर में दिए भोज का है। यह राजमहल जयपुर द्वारा जारी किया गया था। इस पत्र में अंकतुकों को फॉर्मल ड्रेस और वेज डेकोरेशन के साथ आने की तकादी की गई थी। दूसरा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के 10वें महाराजा के पुत्र और मनगढ़ के राजा महाराजा कुमार पृथ्वीराज सिंह और त्रिपुरा के महाराजा कुमार रामेंद्र किशोर देव वर्मा की पुत्री कुमारी देविका देवी के विवाह का है। यह शादी 8 मार्च 1961 को राजमहल जयपुर में हुई थी। पूरी व्यस्तता के साथ हुई यह समारोह उस दौर में चर्चा में रही थी। अमरेंद्र आनंद के खजाने में 2 दर्जन से अधिक यादगार आमंत्रण पत्र हैं, जो अतीत के यादगार पलों को बयां करते हैं। तो मेरे पास 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था, जो दिल्ली में आयोजित की गई थी, और इस दरबार में ये निर्णय लिया गया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से बदल के दिल्ली की जाए। उस ऐतिहासिक दरबार में खास चुनिंदे लोगों को भारत सरकार ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित किया था, और ये आमंत्रण पत्र सोने के पानी चढ़े हुए थे और आज की तारीख में बहुत दुर्लभ है। संजोग से मेरे पास 1911 के भी आमंत्रण पत्र हैं। इस तरह कई राजाओं के शादी के भी कार्ड्स हैं। जयपुर महाराज के भी शादी के कार्ड हैं, मानसिंह के भी शादी के कार्ड हैं। इसके अलावा चूँकि राजे महाराजाओं में प्रिंसले स्टेट में सत्तानिशी होने के लिए जो एक प्रक्रिया बनती थी, जिस तो उसका भी एक समारोह होता था, तो उन समारोह में भी एक आयोजन होता था, तो उस आयोजन को भी आमंत्रण कार्ड मिल रहा था। उसमें मुख्य रूप से किनके किनके आमंत्रण कार्ड है आपका जो सम्मान समारोह? जैसे जूनागढ़ के मेरे पास में है, जो 1927 में था। 1927 में भारत के लॉर्ड गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, भारत के बड़े प्रसिद्ध गवर्नर थे, और जूनागढ़ के महाराज का जब सत्ता हस्त हो रहा था तो वो इरविन उसके गवाह थे। जैसे महारानी विक्टोरिया 1962 में जयपुर के राजा मानसिंह के अतिथि के रूप में आए थे, क्योंकि वो आए थे भारत में, उनका महारानी विक्टोरिया का मकसद था अपना देखना, लेकिन वो गेस्ट थे जयपुर के महाराज के। और हमारे यहाँ आज़ादी के पहले भारत में राजे रजवाड़ों का बड़ा ठाट था, उनकी अपनी पहचान थी, उनकी पहचान थी सल्यूट गन्स पे। सल्यूट गन्स क्या होता है कि जैसे तोपों की सलामी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। तो सबसे बड़े जो राजा होते थे वो 21 तोपों के सलामी वाले राजा कहलाते थे, उससे जो छोटे होते थे 19 तोपों के कहलाते थे, और जो सबसे छोटे महाराजे होते थे वो 11 तोपों के होते थे। अमरेंद्र अपने इन संग्रह की प्रदर्शनी कई जगहों पर कर चुके हैं। इस बाबता उन्होंने बताया कि सबसे वह अब तक देश के कई प्रदेशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी प्रदर्शनी लगा चुके हैं और अब अपने घर को ही म्यूजियम का रूप दे दिया है। धनबाद से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।